वालेकुम नाजरीन उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों आज हम कैंडी बनाएंगे ड्राई फ्रूट के साथ तो इसकी तरकीब बहुत ही आसान है ये देखिए मैंने पैन रख लिया है सबसे पहले फ्लेम पे। और इसमें मैं बादाम है आधा कप ये मैं डाल रही हूँ दो हिस्सों में काट लिए हैं काजू भी मैंने आधा कप लिए हैं दो हिस्सों में काट लिए हैं अखरोट मैंने आठ से दस गिरे लिए थे अखरोट के और उनको इस तरह से निकाल के इसकी गिरे और इनको बारीक मैंने काट लिया है पिछते मैंने दो चम्मच लिए थे दो टेबल स्पून और उनको भी मैंने दो हिस्सों में काट लिया है और इनको मैं हल्का सा भून लूँगी ताकि ये थोड़ा अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और इनमें ज़रा अच्छी सी जायका आ जाए जब ये भून जाएंगे तो थोड़ा अच्छा सा जायका आ जाएगा इनके अंदर तो इस तरह से तकरीबन एक से दो मिनट के लिए इसको हम फ्राई कर लेंगे और ये देखें ज़रा ठंडे होने के बाद ये बहुत अच्छे से और भी क्रिस्पी हो गए और मैंने ये इस तरह से एक ढकना लिया है और स्टील का लीजिएगा आप जो भी बर्तन लें तो इसके पीछे की साइड में ऑयल से इसको ग्रीस कर रही हूँ ताकि जब कैंडी हम बना के तैयार करके इस पर डालेंगे तो हमें इतना टाइम नहीं लगेगा कि हम रुके हैं क्योंकि वो बहुत गर्म गर्म होती है और बहुत जल्दी जम जाती है इसलिए इसमें हम इसको हमने पहले ग्रीस कर लिया है एक कप चीनी मैंने ली है ये बिल्कुल लेवल करके ली है और इसको मैंने पैन में डाल दिया है बहुत हल्के फ्लेम पे हम इसको मेल्ट होने के लिए रखेंगे ज़्यादा फ्लेम बिल्कुल हमको हाई नहीं करना है बहुत ही मीडियम फ्लेम पे रखना है जो बिल्कुल लो मीडियम होता है उस पर रखना है ये देखें चीनी नीचे से मेल्ट होना शुरू हो गई है तकरीबन 10 से 12 मिनट लाजमी हमें लगेंगे इसको हल्की फ्लेम पे पकाने के लिए अगर हमने फ्लेम तेज़ कर दिया तो हमारी चीनी जो है वो कड़वी हो जाएगी मेल्ट तो जल्दी हो जाएगी मगर ये कड़वी हो जाएगी तो हमारी जो रेसिपी है वो ज़ाया हो जाएगी तो इसलिए इसको बहुत ही हल्के फ्लेम पर और बहुत ध्यान से आप इसको मेल्ट कीजिएगा और हल्का हल्का साथ में हम इसे चलाते रहेंगे और टू पिंच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है ये देखें बेकिंग सोडा डालने से इसका कलर इस तरह से आ गया है और ये इस तरह से गाढ़ेपन में मेल्ट हो गई है हमारे पास जैसे हम हमने जैसे गुड़ का जो जायका होता है वैसा जायका इसके अंदर आएगा अगर आप इसमें मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर आप इसमें डाल देंगे तो ये देखें अब मैंने इसमें ये ड्राई फ्रूट डाल दिया है और इसको बहुत झटपट हमने निकालना है वरना ये फ़ौरन से ड्राई होके और ये चिपक जाएगी आपस में और इसको हम फैला लेंगे इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जिस भी बर्तन में आप इसको निकालेंगे आप उसको फ़ौर से ग्रीस कर लीजिए और ये देखें ये रोलर पैन को भी हमने फ़ौरन से ग्रीस कर लिया है और इसको इस पर हम इस तरह से चलाएंगे बिल्कुल दबा के इसको सख्त हाथों से इसको हम फैला लेंगे और गर्म ही में हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे क्योंकि अगर ये ठंडी हो गई तो इसकी कटिंग बिल्कुल नहीं होगी आप चाहें तो इसको मूंगफली में भी बना सकते हैं मैंने इसको ड्राई फ्रूट में बनाया है ये देखिए बिल्कुल हमवार हो गई है और इस तरह से इसको गर्म ही कट कर लीजिएगा वरना अगर आपने इसको ठंडा करा तो ये कट नहीं होगी और इसके पीस नहीं बनेंगे इस तरह से हमने दोनों तरफ से लाइनें लगा ली हैं इसके अंदर और ये देखें तकरीबन दस से पंद्रह मिनट में ये ठंडी हो गई है और ये इस तरह से ये देखें छोटे पीस बना लिए हमने ये देख लें आप और इतनी क्रिस्पी बनी है मज़ेदार है तो ये सर्दियों की सौगात है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपको किस तरह से लगी और आपने बनाया कि नहीं ये देख लें अच्छी बेहतरीन जम गई हैं ये और मज़े की क्रिस्पी हो गई हैं इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखें हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़